वे जो ट्रैक्टर में टक्कर हो गई है, हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, पुलिस अधिकारी भी अस्पताल पहुंचे हैं। एक बार फिर से लापरवाही और तेज रफ्तार जिंदगी पर भारी पड़ी है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कुशलगढ़ की, जहां रोडवेज और ट्रैक्टर में टक्कर हुई है। हालांकि बता पाना अभी मुश्किल की गलती किसकी रही और हादसे की वजह क्या रही, लेकिन 2 वजह आप मान सकते हैं, पहली रफ्तार और दूसरी लापरवाही। और रफ्तार और लापरवाही 3 लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ी, क्योंकि हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग घायल हो गए हैं। जरा देखिए घायलों को किस तरीके से बस से निकाला जा रहा है, उनको अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। ये अस्पताल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जैसे ही अस्पताल में जानकारी लगी कि दुर्घटना हुई है, पूरा अस्पताल प्रशासन एक्टिव मोड में आया, व्यवस्थाएं जुटाई गई ताकि जो भी घायल पहुंचा है उसका इलाज किया जा सके। प्राथमिकी तौर पर उन्हें मेडिकल सुविधा दी जा सके और अगर कोई सीरियस है तो उसे आगे रेफर किया जा सके। हालांकि सच्चाई ये है कि इन तमाम जद्दोजहद के बावजूद 3 लोगों की मौत हो गई है। मेरे सहयोगी अश्विनी जुड़ गए हैं। अश्विनी, कितने लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है, क्योंकि 3 लोगों की मौत हो गई, क्या जो घायल हुए हैं उनमें भी कुछ ऐसे गंभीर जिन्हें रेफर किया गया हो या जिनकी स्थिति क्रिटिकल बनी है? देखिए, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, 3ों को जयपुर रेफर कर दिया गया है। मौके पर कलेक्टर, SP और थानागाजी विधायक कांति मीना मौके पर पहुंचे हैं और रास्ते को सुचारू करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कुल 26 लोग अस्पताल में पहुंचे हैं जो भर्ती हुए हैं। 3 लोगों की अब तक चिकित्सकों ने कहा है कि मौत हो चुकी है। 3 जो ज्यादा गंभीर है उन्हें जयपुर रेफर किया गया है, बाकी का यहाँ अलवर अस्पताल में उपचार चल रहा है। प्रशासनिक और पुलिस के लोग मौके पर हैं, चिकित्सकों की विशेष टीम जो है लगाई गई है ताकि जल्द से जल्द उपचार दिया जा सके। दुर्घटना बहुत ही भीषण थी जी, जो अलवर बस स्टैंड से जयपुर के लिए राजस्थान रोडवेज की जो बस थी मदरसा नगर आगार की, उसके चालक महेश वर्मा थे, उसकी डेथ हो गई है। जो ट्रैक्टर का चालक है वो गंभीर रूप से घायल है। और ये किसानगढ़ तिराहे से ठीक अलवर की तरफ दुर्घटना हुई, भीषण दुर्घटना थी, ट्रैक्टर के अंदर ईंट भरी थी और मेन रोड पर ही आमने सामने दुर्घटना हुई, जिसके बाद 3 मौतें हुई हैं और गंभीर रूप से बाकी लोग घायल हुए हैं। अभी मौके पर अश्विनी आप कह रहे हैं कि जिस रोड पर ये घटना हुई, क्या वो 2-वे ट्रांसपोर्टेशन उस पर था या कोई एक रॉन्ग साइड चल रहा था? देखिए, जो जिस जगह घटना हुई है, सरिस्का के पास का इलाका है, इस सड़क में डिवाइडर नहीं है, 2-वे सड़क है और बहुत चौड़ी सड़क भी नहीं है। जिस तरह भी विधायक कांति मीणा कह रहे थे कि सरिस्का में सड़क के चौड़ाईकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट और सरिस्का कई सारे गाइडलाइन का परेशानी आती है, इसके कारण दुर्घटनाएं हो रही है या हो गई है और ये दुर्घटना भी कारण है, वो एक अलग मुद्दा है कि सड़क को चौड़ी होना चाहिए और आगे क्या किया जा सकता है, वो होना चाहिए, लेकिन भीषण दुर्घटना है, दुखद है। अश्विनी, जहाँ पर ये दुर्घटना हुई, क्या वहाँ पर कोई मोड़ है जिसकी वजह से एक दूसरे को देख नहीं पाए? और दूसरा सवाल आपसे कि जिस वक्त ये दुर्घटना हुई उस वक्त बस में कितने यात्री सवार थे, ट्रैक्टर पर कितने सवार थे? हाँ, देखिए, मैं अभी उसी दुर्घटना स्थल पर खड़ा हूँ जो अलवर से सरिस्का होते हुए जयपुर तरफ ये रास्ता गुजरता है। कुशालगढ़ तिराहे से ठीक पहले ये सड़क है जहाँ घटना हुई, यहाँ कोई मोड़ नहीं है, सीधी सड़क है बिल्कुल जहाँ ये घटना हुई है। ये कह सकते हैं कि रोडवेज भी और ट्रैक्टर भी ओवर स्पीड पे थे, आमने सामने की टक्कर हुई। अब पिछले कुछ दिनों से हम देखते हैं कि आमने सामने की दुर्घटनाएं हैं वो बहुत कम होती हैं, लेकिन ये आमने सामने की दुर्घटना है और इतनी भीषण है कि रोडवेज बस का चालक की तरफ का जो हिस्सा है पूरी तरह 5 से 7 फुट का डैमेज हो गया है और ट्रैक्टर जो है वो 2 हिस्सों में बट गया है। एक हिस्सा जो है, एक तरफ का हिस्सा भी पूरी तरह से डैमेज हो गया है। पूरी सड़क जो है उस पर ईंटें और बाकी लोग जो घायल थे वो यहाँ गिर गए। ट्रैक्टर में एक चालक सवार था, अकेला व्यक्ति था, इसलिए ट्रैक्टर में ज्यादा जो घटना हुई है वो नहीं हो पाई और बस की जो सवारियां थी, क्योंकि तेज स्पीड पे बस रही होगी और दुर्घटना भीषण हुई है तो पीछे जो सीटें थी बस में वो अपनी जगह छोड़कर आगे की तरफ आ गई। आगे की जो सवारियां थी पीछे
वो आगे आकर गिरी। इस तरह उनको बहुत सारी सवारियों में चोटें आई, लेकिन जो आगे जो लोग थे वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। खासतौर पर जो चालक के ठीक पीछे वाले सीटों पर जो लोग बैठे थे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, और इसी कारण से जो चालक है रोडवेज बस का उसकी मौत हो गई है। अश्वनी, जिन तीन की मौत हुई है उनमें एक तो चालक है, बाकी दो के बारे में जानकारी लग पाई कौन है? दोनों लोगों को अस्पताल समय स्थल पहुंचाया गया है, बाकी घायलों को उन्हें भी पहुंचाया गया है। लेकिन अभी तक जिस तरह जिला के कन्नोमल पहाड़िया कह रहे हैं कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि पहले जो घायल हुए हैं उनका उपचार किया जाए, जो जिनकी डेथ हो गई है चिकित्सक ने कह दिया है कि उनकी मौत हो चुकी है, उनका शिनाख्त करने का प्रयास होगा। उनके कागजात जेब में जो मिल रहे हैं वो एक बार देख रहे हैं अधिकारी की उनके परिवार वालों से संबंध स्थापित किया जा सके, बातचीत की जा सके, वो एक कोशिश हो रही है। लेकिन अभी तक सामने नाम नहीं आए कि कौन लोग हैं और कहाँ के रहने वाले हैं। हाँ, कुछ घायल हैं उनके परिजनों का पता लगा है, जो होश में है वो लोग अपने परिजनों को फोन कर रहे हैं। बाकी लोगों को अस्पताल पहुंचना जारी है, अस्पताल में भी खासी भीड़ इकट्ठा हो गई है कि जो जिनके लोग रोडवेज बस में सवारी कर रहे थे, सफर कर रहे थे, और वो घटना के बाद अपने परिजनों को फोन किया और अस्पताल में बुलाया गया है। काफी भीड़ यहाँ पर है, अधिकारी पुलिस के और प्रशासन के अधिकारी यहाँ पहुंच गए हैं। घटना स्थल से जिला कलेक्टर ननोमल पहाड़िया और पुलिस अधीक्षक तेजस्वी गौतम अस्पताल में रवाना हुए हैं, और तीन लोग जिन्हें रेफर किया गया है उन्हें जयपुर भेजा जा रहा है। ये कोशिश है कि जो लोग जिन्हें चोट है जिनका यहाँ इलाज नहीं किया जा सकता है, जिन्हें तुरंत ज्यादा बड़े सेंटर की जरूरत है, उन्हें बड़े सेंटर पर या जयपुर उन्हें भेजा जा रहा है ताकि उन्हें तुरंत उपचार मिल सके और कोई अनहोनी उनके साथ आगे न हो। अश्विनी, वो लोगों की वो संख्या क्या है जिसमें वो लोग हैं जिनको या तो बहुत मामूली चोटें आई या उन्हें चोटें आई नहीं, क्या उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद वहां से व्यवस्था करके घर तक पहुंचा दिया गया? देखिए, ज्यादातर लोगों को चोट आई है जो बस में सवार। अश्विनी, आपको रोकना चाहेंगे, अलवर कलेक्टर ननुमल पहाड़िया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ननुमल पहाड़िया जी, घटना हुई है सर, व्यवस्थाएं लगातार वहां देखी जा रही हैं डॉक्टर्स की तरफ से, बाकी तरह से भी, सर घटना को लेकर क्या अपडेट आपके पास? देखिए, घटना पे मैं और एसपी मैम हम पहुंच गए, वहां से अब हम वापस रवाना हुए। आमने सामने एक एक्सीडेंट हुआ है, रोडवेज की बस है, एक ट्रक पेट्रोल की टोल से भरी हुई थी। एक्सीडेंट इतना जबरदस्त है कि एक्चुअली वो पूरा का पूरा बस का जो ढांचा है वही हो गया, पीछे की सीट भी आगे आ गई जी। टोटल 29 इंजर्ड अब तक रिपोर्टेड हुए हैं, उनमें से तीन की डेथ हो गई है और तीन बहुत सीरियस है, उनको जयपुर रेफर कर दिया है जी। 23 का अभी जनरल हॉस्पिटल में उपचार चल रहा है, हमारी एटीएम एडिशनल एसपी एसडीएम वही मौके पर है, पीएमओ है, पूरी टीम इलाज कर रही है जी। सर, क्योंकि आप मौके से होकर आए हैं, प्राथमिक तौर पर आपको भी लग रहा है कि ओवर स्पीडिंग एक बड़ा कारण रही है? अब वो एक्चुअली ओवर स्पीडिंग रही है या कोई केयरलेस रही है वो तो जांच का विषय है, अभी कहना तो मुश्किल होगा जी। हादसा बहुत ही दर्दनाक, क्योंकि सर मेरे सहयोगी अश्वनी बने, उन्होंने कहा कि दूर दूर तक कोई मोड़ नहीं है, सीधी सड़क है, अगर ओवर स्पीडिंग नहीं होती तो शायद संभल जाते। हाँ नहीं, वो अब मैं कह रहा हूँ ना, एक्चुअली ये तो जांच के बाद ही फाइंडिंग तय हो पाएंगी, पर ये हादसा बहुत ही दर्दनाक है। सर, जिनको मामूली चोटें आई या जो पूरे तरीके से इस घटना के बाद सुरक्षित है उनके लिए व्यवस्था की गई है ताकि वो इस सदमे से बाहर निकल के घर पहुंचे? वो सब करेंगे, वो हमारी एडीएम वही है, एसडीएम वही है, एडिशनल एसपी वही है, मेडिकल टीम वही है जी। पहले उपचार कर रहे हैं, जो सुरक्षित होंगे उनकी व्यवस्था करेंगे। सर बिल्कुल सही कहा, पहले जिंदगियों को बचाना जरूरी, लेकिन मानकर चलें इसकी जांच होगी, किसी के खिलाफ केस दर्ज होगा? वो जो भी होगा वो एक्चुअली होना ही है, एफआईआर दर्ज होनी है, कार्रवाई जी। सर, एक्स्ट्रा डॉक्टर कुछ लगाए गए हैं अस्पताल में जी? एक्स्ट्रा डॉक्टर कुछ आसपास से बुलाए गए? बिल्कुल बिल्कुल, वो हमारे जनरल हॉस्पिटल है, डॉक्टर की वैसे भी हमें कोई कमी नहीं है वहाँ जी, हमारी पूरी टीम उपचार कर रही है। ननुमल पहाड़िया जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अलवर के कलेक्टर हैं, वो खुद मौके पर पहुंचे, व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आधिकारिक तौर पर उन्होंने पुष्टि भी की है कि तीन लोगों की इस हादसे में जान चली गई है, जिनमें एक बस के ड्राइवर हैं, दो अन्य हैं, तीन की स्थिति क्रिटिकल है, उन्हें जयपुर रेफर किया गया, और जिनको बहुत मामूली चोटें आई या जो पूरे तरीके से सुरक्षित रहे इस हादसे में, फर्स्ट एड के बाद उन्हें भी घर के लिए रवाना कर दिया गया। अस्पताल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मेरे सहयोगी